नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। वास्तु शास्त्र में पेड़ पौधों का बहुत महत्व दिया जाता है। वास्तु के अनुसार घर में पौधे रखने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग घर में मनी प्लांट लगाते हैं, कहते हैं कि मनी प्लांट आर्थिक तंगी दूर करता है, लेकिन अगर आप मनी प्लांट के साथ कुछ एक और पौधा लगाते हैं तो इसका दोगुना फल मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पाइडर प्लांट की। स्पाइडर प्लांट को वास्तु शास्त्र में भाग्यशाली पौधा माना जाता है। यह प्लांट जिस घर में होता है उसका भाग्य चमक जाता है, वहीं अगर इसको मनी प्लांट के साथ लगा दिया जाए तो इसका कई गुना अधिक फल मिलता है। आइए जानते हैं वास्तु प्लांट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्पाइडर प्लांट को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है। स्पाइडर प्लांट को मनी प्लांट के साथ पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। वहीं अगर प्लांट आप इसे ऑफिस में रखना चाहते हैं तो इसे अपने डेस्क पर रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्पाइडर प्लांट पूरा फायदा चाहिए तो इसे सही जगह पर रखना जरूरी है। स्पाइडर प्लांट को आप घर के लिविंग रूम, बालकनी या फिर स्टडी रूम में भी रख सकते हैं। स्पाइडर प्लांट सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसके घर में रखने से यह एयर प्योरीफायर का काम करता है। इतना ही नहीं, यह पौधा तनाव कम करने में भी मददगार है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अगर आपने स्पाइडर प्लांट घर में लगाया है तो कुछ बातों का हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्पाइडर प्लांट को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। अगर यह सूख जाता है तो तुरंत दूसरा पौधा लगा लें। स्पाइडर प्लांट को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में लगाने से इस पौधे का कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।